अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। लेक्चर नंबर है 3, क्लास 5 का लेक्चर नंबर 3 है, सब्जेक्ट कंप्यूटर। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 4 है, राइट शॉर्ट आंसर, यानी हमने शॉर्ट जवाब देने हैं, आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अर्ली पीपल काउंट एंड कैलकुलेटर, कहते जो पहले के लोग थे वो किस तरह गिनते थे और किस तरह गिनते और जमा करते थे। पीपल यूज बिबल्स, बोन्स, फिंगर्स एंड टॉयज टू काउंट एंड कैलकुलेटर कैलकुलेट, कहते लोगों ने गिनती और हिसाब किताब करने के लिए कंकर, हड्डियां और उंगलियों का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज अबाकस, अबाकस क्या है। अबाकस इज नोन एज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, कहते हैं अबाकस हम जानते कि वो पहली जमा करने वाली एक डिवाइस थी। इट कुड परफॉर्म सिंपल मैथमेटिकल ऑप्शन, इसका जस्ट सिंपल ये काम था कि उसने बस मैथमेटिकली ऑप्शन जो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के ऑपरेशंस काम करने होते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑपरेशन वेयर परफॉर्म बाय द स्लाइड रूल, कहते हैं स्लाइड रूल का क्या काम है और इसका ऑपरेशन क्या है। ठीक है, इस स्लाइड रूल का क्या काम है इसके ऑपरेशन से जो भी है। ठीक है, कहते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन वर परफॉर्म बाय दी स्लाइड रूल, कहते हैं स्लाइड रूल ये काम करता है कि इसके ऑपरेशन क्या है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ये क्या करता है, जर्व करता है और तकसीम करता है, ये इसका काम है किसका, स्लाइड रूल का। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, कहते हैं सेकेंड जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की वो कौन सी यूज्ड होती है। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज, कहते हैं सेकेंड जनरेशन जो यूज करती है वो कंजिस्टर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स किस कंजिस्टर्स हैं इंस्टेड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, कहते हैं कोई सी भी 2 मिसाल दें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। कहते हैं द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 360 सीरीज एंड IBM 370 सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 था। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं, कल इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो उम्मीद है आपने आपके आज फर्स्ट 3 लेक्चर्स हो गए हैं, तो आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप मेरे से ग्रुप में भी पूछ सकते हैं 9 to 11। अगर आप बाद में उसको पिक कर रहे हैं, लेक्चर को सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं समर पैक पे, तो आपने मेरे से उसी टाइम पूछ लें। आप जिस टाइम भी आपको अपने समर पैक पे नोट कर रहे हैं किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।